हाय स्टूडेंट्स, दोस्तों आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए आज वाइट बोर्ड पर आपको केमिस्ट्री बेसिक, आप अगर जीरो केमिस्ट्री नहीं जानते हैं, आप इंटर में हैं, हाई स्कूल में हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, या आपका साइंस में इंटरेस्ट है और आपको अभी कुछ मालूम नहीं है, तो मैं आज जीरो से शुरू करने जा रहा हूँ। और आप देखिए केमिस्ट्री में मेन चीज़ होता है मैटर, पदार्थ, और उस मैटर में ही रिएक्शन करा के हम नए एलिमेंट का रिएक्शन करा के और दूसरे एलिमेंट तैयार करते हैं। इट्स ओके। तो अब चूँकि हमें इनका फार्मूला बनाना रहता है, तो क्या करते हैं कि उनका हम सिंबल लेते हैं। अगर सिंबल नहीं होगा तो बहुत ही लेंथी हो जाएगा फार्मूला। तो फार्मूला का मतलब जानते हैं कि बहुत ही इनिशियल चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके लिए एक पीरियोडिक टेबल होती है केमिस्ट्री की, पीरियोडिक टेबल। ये टेबल आप हाउ टू ड्रा इट विद इट्स फोर ब्लॉक्स, इट्स ओके, फोर ब्लॉक्स एस डी पी एंड एफ। हाँ समझ गए। देखिए मैंने ये पीरियोडिक टेबल चार भागों में आपको सारणी बना के बताने जा रहा हूँ। सारणी बनाने से मैं आपको सारणी बनाने की विधि भी बताऊँगा और तब आपका इंटरेस्ट इसमें आएगा, और फिर हर ब्लॉक का एक युक्ति आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप उनको याद कर पाएंगे बहुत ही बेहतरीन रोचक तरीके से। तो ये ब्लॉक बनाने से पहले जान लीजिए जो मैटर्स होते हैं उनमें जो एलिमेंट शुद्ध तत्व होते हैं उनका, वो इंग्लिश में उनके नाम हैं और लैटिन में नाम हैं। तो उसका पहला अक्षर, पहला लेटर हम फार्मूला के लिए यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि दो एलिमेंट्स एक ही, उनका पहला अक्षर एक ही लेटर का पड़ जाता है, तो हम उसमें एक स्मॉल लेटर नेक्स्ट वाला भी ले लेते हैं, जिससे कि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि ये कौन सा एलिमेंट का सिंबल है। इट्स ओके। और सारे सिंबल के जो पहले अक्षर होते हैं वो कैपिटल में होते हैं और दूसरे स्मॉल में होते हैं। तो लेट अस बिगिन टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इट्स ओके। आपको सिंपली करना क्या है, एक लाइन खींचना है और इसको सात भागों में बांट देना है। तो हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा, और ये टेबल जैसे आप मैथ्स के टेबल पढ़ते हैं, कौन सा टेबल होता है 2 1 2 2 2 4, फिर स्क्वायर का टेबल होता है, है ना, और फिर क्यूब का टेबल होता है, इसी तरह से केमिस्ट्री में भी एक टेबल है। उस टेबल को याद कर लीजिए, तो पहले आप सिंबल जान जाएंगे, उसके बाद में उसमें परमाणु भार है, क्रमांक है, इन सीरियलों को याद करना रहेगा। देखिए बहुत ही केमिस्ट्री एक जटिल चीज़ है, उसको आपके हाउडी संजीव सर किस तरह से बिल्कुल हलवा सरलतम रूप से बताने जा रहे हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर से आप इंटरेस्ट अपना जगाइए। तो इसमें करते क्या है, इन पहले ब्ला इसका एक कॉलम बनाते हैं इस तरीके से, और इसमें भी नंबर 1 लिख देते हैं, और इस तरह से फिर लाइन ड्रा करके ऐसे कर देते हैं। इट्स ओके। और यहाँ पर नंबर 2 कर देते हैं, पहले कॉलम में 7, कितने 7,
और दूसरे में अब चूंकि एक कम हो गया तो इसमें छः। तो ये दोनों जो कालम होंगे तो उनको हम कहते हैं एस ब्लॉक। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। इट्स ओके। अब हम क्या करते हैं, हम डी ब्लॉक की ओर चलते हैं। तो डी ब्लॉक में याद रखिएगा, ये जो तीन नंबर है, तीन और चार के बीच वाली लाइन को हम 10 कालम तक पढ़ाएंगे। कितने तक? 10 तक। तो दो ये हैं और 10 हमें और बढ़ाने हैं, तो हम इस तरीके से ये लाइन खींचेंगे। अब यहाँ लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो देखा बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पर यहाँ इतना ये लाइन खींच लिया। अब चूंकि 10 और प्लस 2 12 हो जाएंगे, तो यहाँ हम सीरियल नंबर लेकर चलते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यह जरा बहुत ही थोड़ा दूर दूर हमें लिखना है। अगर हम बहुत नज़दीक लिखेंगे तो क्या होगा, किसी में एलिमेंट में क्या होते हैं, दो अक्षर होते हैं तो वो दिखाई भी पड़ने चाहिए। तो 3, 3, 4, 5, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। देखा, ये बहुत ही सटीक बन गया। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे सीधी सीधी लाइनें यहाँ पर हम खींच लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने लाइन ड्रा कर लिया। इट्स ओके। ये सिस्टम बन गया। तो अब ये जो बेड़ी वाली लाइनें हैं, सीधी लाइन खींचने के बाद में ये हॉरिजेंटल लाइनें खींच लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारी कुछ सारणी तैयार हो गई। तो ये वाला जो ब्लॉक है, हमने क्या बताया, यहाँ पर चार ब्लॉक, 1, 2, 1, 2, 3 and 4 ब्लॉक। तो ये पहला ब्लॉक हो गया और ये दूसरा ब्लॉक कौन हो गया, डी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक। इट्स ओके। अब हम चलते हैं कौन सा ब्लॉक, पी ब्लॉक देखने के लिए। तो पी ब्लॉक में बच्चों ये जान लीजिए, ये जो लाइन है इसी के सिधाई में, मींस अभी यहाँ हमको दो हॉरिजेंटल और लाइनें खींचनी है। कितनी? दो। ये देखिए इस तरीके से ये लाइन हो गई, ये सीधी, ये और ये लाइन और ये लाइन, ये थोड़ा तिरछा हो गया। हाँ, कॉपी में बढ़िया। अच्छा, अब यहाँ पर 5 एलिमेंट और लिखने हैं। तो 12 के बाद में आएगा 13, तो ये 13 हो गया, फिर 14, ये 14 हो गया, फिर 15 और 16, ठीक, अभी एक 17। तो इस तरीके से आपने ये 17 बना दिया। अभी एक 18 और होना है, तो उसमें इसी के हिसाब से क्या होगा, यानी दो कालम बढ़े हैं और ये वाला कालम ऊपर की ओर बढ़ कर के ये ऐसे बन जाएगा। और इस तरह से आपके 18 खाने बन गए। और इसी को कहते हैं कौन सा ब्लॉक, तीसरा वाला, पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक। तो आपने देखा बच्चों, अभी आपको एक ब्लॉक और बचा है, एफ ब्लॉक। अब एफ ब्लॉक के लिए हम क्या करते हैं, ये जो तीसरी वाली लाइन है इसको हम ऐसे कर देते हैं
और ये वाली नीचे की लाइन है इसको ऐसे कर देते हैं और बीच से एक लाइन खींच देते हैं और इसको इसमें मिला देते हैं, फिर एक लाइन ऐसे खींच देते हैं और एक लाइन यहाँ से यहाँ बच्चों क्या करते हैं ड्रा कर देते हैं। और ये कितने होते हैं, 14 होते हैं। कितने? 14। तो इसको नीचे लिख दें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो इसको और यहाँ तक बढ़ाइए और इसके बाद में इसको ये ऐसे करके और ऐसे इसमें इसको जोड़ दीजिए और इनको सबको सेपरेट कर दीजिए। तो हमने देखिए इस तरीके से इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो ये आपके आपकी सारणी देखिए तैयार हुई जा रही है। कितना इंटरेस्टिंग मज़ेदार चीज़ थी। केमिस्ट्री कहते हैं कि बहुत ही टफ है, हमारा इंटरेस्ट नहीं आता इसमें। बच्चों देखिए आप ये जान लीजिए कि बढ़िया आप क्या आर्ट बना रहे हैं ना, इस तरह से आप इंटरेस्ट जगाइए और थोड़ा अपने को अपडेट करिए। तो ये जो ये अभी हमने ये लाइन ये नंबर्स खाने बनाए हैं इनको क्या कहते हैं, यहाँ पर चौथा है एफ ब्लॉक, ये हो जाएगा एफ ब्लॉक, इट्स ओके। तो बच्चों आज मैंने आपको जो एलिमेंट्स हैं कहाँ पर कौन सिंबल रखे जाएंगे उनका पहला अक्षर, ये जो फार्मूला आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे इसको आप पूर्णतया अच्छे ढंग से बनाना सीख लीजिए पीरियोडिक टेबल को। उसके बाद में फिर एक एक ब्लॉक पर हम उनके क्या नाम होते हैं, कैसा क्या सिस्टम है उसको समझाएंगे और वो भी युक्तियों के जरिए, समझ रहे हैं। जिससे आप वह जो युक्तियाँ पढ़ लीजिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी युक्तियाँ। और इसके बाद में फिर या तो हाउडी किशन सिंह आएंगे, क्या कुछ आपको और कुछ बताना हो तो बता दीजिए, आ जाइए। तो आज हम इसी पीरियोडिक टेबल की आवर सारणी को ड्रा करना सिखाने के साथ ही बच्चों ये हमारा पहला केमिस्ट्री का लेसन है। आपको ये मेडन लेसन कैसा लगा, ये लेसन कैसा लगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा और हमें मोटिवेट करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो आखिर जल्दी आपको कहीं चैनल ये वीडियो मिल गया होगा तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हाई स्कूल और इंटर की तैयारी विधिवत कराने का मैंने ठेका ले रखा है, यानी सर पर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो वो डू आर डाई की स्थिति में हम आपको पढ़ाएंगे और आप भी पढ़िए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने की कोशिश करिए, कमेंट करिए, जिससे कि हम मोटिवेट हों, यही आपकी गुरुदक्षिणा होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।